देसी सीजनिंग चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही झटपट व्रत की थाली बनाएंगे। इस थाली में रहेगा व्रत की पूरी, जीरा आलू, व्रत का जीरा राइस, व्रत वाली कढ़ी, मखाना खीर, इंस्टेंट साबूदाना वड़ा भी रहेगा। यानी कि अब साबूदाना वड़ा बनाने के लिए साबूदाने को लंबे समय तक भिगोने की नो झंझट। और लास्ट में रहेगा मसाला छाछ। अगर आपको आज की मेरी थाली की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं हाफ कप साबूदाना ले रही हूँ। सबसे पहले साबूदाना को रगड़ रगड़ के 3 से 4 बार बहुत अच्छी तरह से धो लेंगे। जैसे कि मैंने इसे एक बार धो लिया, देखिए ये पानी बहुत ही ज़्यादा धुंधला सा है, तो इसे हम फेंक देंगे और इसे हम दोबारा धोएंगे। इसे हमें तब तक धोना पड़ेगा जब तक पानी लगभग क्लियर ना हो जाए। कुछ 4 बार मैंने इसे धोया, तब जाके ये देखिए पानी एकदम क्लियर है। अब हमें साबूदाना को 1 घंटा इस पानी में भिगो कर रखना होगा। इस थाली में रहेगा मखाने की खीर। तो मैंने इस बर्तन में 1/2 लीटर दूध लिया है। सबसे पहले इसे हम उबाल लेंगे। इस बीच चलिए मखाना भून लेते हैं। तो एक फ्राइंग पैन में मैं 1 टीस्पून घी डाल रही हूँ और इसे पिघला लेंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप मखाना। अब हम मखाना को लो फ्लेम में कुछ 2 से 3 मिनट तक हल्का सा भून लेना है। 2 मिनट तक हमने इसे भून लिया है, अब हम इसे ठंडा होने देंगे। एक ग्राइंडिंग जार में हम भुने हुए मखाने में से कुछ 1/3 हिस्सा जो है, यानी कि 1/3 हिस्सा इसमें डाल देंगे और बाकी का यूज हम बाद में करेंगे। 1 टेबलस्पून काजू भी इसमें डाल देंगे। कुछ 1 चुटकी केसर के धागे डाल देंगे। 3 इलायची के बीज डाल के इसे हमें बहुत महीन पीस लेना है। अब सेम फ्राइंग पैन में और 1 टीस्पून घी डालेंगे और इसे पिघला लेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून काजू के पीसेस डाल के इसे लो टू मीडियम फ्लेम में लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। काजू लगभग फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून किशमिश। जैसे आप किशमिश ऐड करेंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये फूल के दुगना हो जाएगा। बस इसे लो फ्लेम में उसी लेवल तक फ्राई करना होगा। ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुका है, अब हम इसे अलग कर लेंगे। इस तरफ दूध उबल चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई किया हुआ साबुत मखाने। अब हमें इसे हाई फ्लेम में लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक उबालना होगा, तब तक हमारा ये मखाना सॉफ्ट हो जाएगा। 5 मिनट के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा ये ग्राइंड किया हुआ मखाने का पाउडर। अब इसे मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए कुछ 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे, तब तक ये जो खीर का कंसिस्टेंसी है काफ़ी हद तक गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए मखाना खीर कितना टेस्टी लग रहा है। कलर और खुशबू बहुत ही अच्छी है और इसका टेक्सचर लगभग गाढ़ा हो चुका है। इस लेवल में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। तो मैं अपने हिसाब से कुछ 3 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ। आपको जितना मीठा पसंद है आप चीनी का क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे और 2 मिनट के लिए पकाना होगा। हमारा स्वादिष्ट मखाना खीर बिल्कुल तैयार है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखा था उसे इसमें डाल के ठंडा होने देंगे। मखाना खीर को ठंडा ठंडा ही परोसे। अब हम व्रत का जीरा आलू बनाएंगे। तो जिस फ्राइंग पैन में मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किया था ना, उसी सेम पैन में मैं 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ और इसे गर्म कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरी आज की थाली रेसिपी में जो भी सामग्री आपको व्रत के दौरान लेना अलाउड नहीं है, आप उसे सिंपली स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून साबुत जीरा और इसकी हल्की हल्की खुशबू आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे आलू। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके छील के इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है, इसे मैंने डाल दिया। अब आलू को जीरा के साथ बहुत अच्छी तरह से टॉस करते करते मिक्स कर लेंगे। कुछ 1 मिनट तक हाई फ्लेम में मैंने इसे टॉस करते करते फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 चीरा लगा हुआ हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसमें हम डालेंगे व्रत का सेंधा नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार।
हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून के करीब करीब आमचूर पाउडर डालेंगे। तो मैं यहाँ पे कैच ब्रांड का आमचूर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब हमें इसे 1 मिनट तक हाई फ्लेम में टॉस करते रहना है ताकि आलू बाहर से क्रिस्प हो जाए और अंदर इसके सारे फ्लेवर भी आ जाए। हमारा व्रत का जीरा आलू बिल्कुल तैयार है। सर्व करने से पहले इसमें 1 मुट्ठी भर बारीक कटा धनिया डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके फिर इसे सर्व करेंगे। इस तरफ हमारा साबूदाना 1 घंटा तक भीग चुका है। अब हम इसका जो एक्स्ट्रा पानी है इसे स्ट्रेन कर लेंगे और इसे एक थाली में बिछो देंगे। तो हल्का फुल्का अगर पानी रहा इसमें तो कोई बात नहीं, क्योंकि थाली में इसे स्प्रेड करने के बाद इसे और 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो क्या होगा, जो इसका एक्स्ट्रा हल्का फुल्का पानी रहेगा वो साबूदाना सोख कर लेगा और साबूदाना बड़ा के लिए परफेक्ट साबूदाना बनकर तैयार हो जाएगा। थाली में हम पूरी भी सर्व करेंगे। तो पूरी हम बनाएंगे सिंघारे के आटा से। तो यहाँ पर मैं एक प्लेट में 1/3 कप सिंघारे का आटा डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून व्रत का सेंधा नमक डाल देंगे। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का बॉईल किया हुआ आलू लिया है। इसे हाथ से इस तरह से तोड़ के आटा में डालेंगे और हमें इस आटे को इसी आलू से ही गूंथना होगा। आटा को गूंथने के लिए एक्स्ट्रा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा। तो सिंघाड़े का आटे का पूरी बनाने के लिए हमें आटा को थोड़ा सख्त ही गूंथना होगा, तब जाके आप इसे परफेक्टली बेल पाइएगा। तो इसे इस तरह से गूंथते रहेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ा कि ये थोड़ा सा चिपचिपा हो रहा है हमारा डो, तो आप इसमें एक्स्ट्रा और आटा ऐड कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो, ये डो जो है मेरे हाथों में चिपक रहा है, ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तो मैं इसमें और 2 टेबलस्पून आटा ऐड कर रही हूँ और इसे मैं गूंथ रही हूँ। इसे इसी तरह से गूंथते जाएंगे जब तक ये बिल्कुल सख्त ना हो जाए। बीच बीच में ज़रूरत पड़ने पे इसमें एक्स्ट्रा सिंघाड़े का आटा डालते जाएंगे और हम इसे गूंथते जाएंगे। ये देखिए, आटा हमने गूंथ लिया है। आपको भी इसी तरह से सख्त आटा गूंथना होगा। हमने टोटल 1.25 कप सिंघाड़े का आटा का यूज़ किया है और इसमें 1 मीडियम साइज का आलू लिया था। अब हमें इस डो को 15 मिनट तक ढककर रेस्ट होने देना है। अब हम व्रत के लिए जीरा राइस बनाएंगे। तो मैं इस फ्राइंग पैन में डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून देसी घी और इसे मेल्ट होने देंगे। इसमें 1/2 टेबलस्पून साबुत जीरा डालेंगे और इसे भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे समा चावल। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट कप से 1 कप समा चावल को 3-4 बार अच्छी तरह से धो लिया था और इसे मैंने स्ट्रेनर में रख के स्ट्रेन कर लिया है। तो इसे मैंने भिगोया नहीं है, जस्ट मैंने इसे अच्छे से धो के स्ट्रेन कर लिया है। तो इसे सिंपली हमने ऐड कर दिया। अब समा चावल को जीरा के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। चावल को मैंने फ्राई कर लिया। ये देखिए, ये बिल्कुल पैन में नहीं चिपक रहे हैं। अब मैं इसमें बिल्कुल माप से पानी डालूंगी। तो मैंने इसी कप से 1 कप समा चावल लिया था, ये सेम कप से मैं इसका दोगुना यानी कि 2 कप पानी डालूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम बिल्कुल इस समय हाई होना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी व्रत का सेंधा नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार और इसके फर्स्ट बॉल आने तक हमें वेट करना होगा। इसमें उबाल आ चुका है, अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। अब पैन को कवर करके हमें इसे लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकाना होगा। 5 मिनट तक हमने चावल को लो फ्लेम में पका लिया है। जैसा कि आप देख रहे हो, इसका पानी लगभग एब्सॉर्ब हो चुका है। अब हम एक फोर्क से चावल को इस तरह से हल्का हल्का लूज कर देंगे। ऐसा करने से ये जो समा के चावल है बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। इस समय मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चीरा लगा हुआ हरी मिर्च। हरी मिर्च को इस तरह से डाल के ऊपर से थोड़ा सा चावल से कवर कर देंगे। ऐसा करने से समा चावल में बहुत अच्छा हरी मिर्च का फ्लेवर आएगा। अब पैन को कवर करके लो फ्लेम में इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट तक हमने इसे लो फ्लेम में पका लिया है। हमारा व्रत का जीरा राइस बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, ये कितने खिले खिले बने हैं। अब हम जीरा राइस को सर्व करेंगे। तो मैं इस तरह का बोल ली हूँ। बोल में गर्मा गर्म जीरा राइस डालेंगे और इसे प्रेस करते रहेंगे
और जैसे ही हमारा थाली तैयार हो जाए इसे सर्व करेंगे। व्रत का चावल तो तैयार है, अब हम इसके लिए कढ़ी बनाएंगे। तो मैं एक बोल में हाफ कप दही डाल रही हूँ। दही थोड़ी खट्टी होने से कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसमें मैं 2 टेबलस्पून राजगिरे का आटा डाल रही हूँ। आपके पास अगर सिंघाड़े का आटा हो तो वो भी डाल सकते हो। और इसे बीटर से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। तो मैं ये 1 कप पानी डाल रही हूँ और ये हाफ कप जो दही वाला कप था ना उसमें हाफ कप पानी डाल के उसका यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, कढ़ी के लिए हमारा घोल बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसका कढ़ी बनाएंगे। पैन में 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करके इसे हल्का सा भून लेंगे। इसमें 2 चीरा लगा हुआ हरी मिर्च डाल के इसे कुछ सेकंड्स के लिए इस तरह से टॉस कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। तो मैं कुछ 8 से 10 करी पत्ता इसमें डाल रही हूँ। इसमें 1/2 इंच अदरक ग्रेट करके डाल देंगे। मसाले को कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। फ्लेम को लो में रखते हुए हमारा कढ़ी का जो घोल है ना इसे इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करके इसमें डाल देंगे। अब इसे हाई फ्लेम में लगातार चलाते रहना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। ये देखिए कढ़ी में उबाल आ चुका है और ये कुछ हद तक गाढ़ी भी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करके इसे 1 मिनट के लिए और उबाल लेंगे। अब हम इसमें व्रत का सेंधा नमक स्वाद अनुसार ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखते देखते हमारा व्रत के चावल के लिए कढ़ी बनकर तैयार है। तो अब फ्लेम ऑफ करके इसे साइड में रख देंगे। 20 मिनट बाद जैसे कि आप देख रहे हो ये जो साबूदाना बिल्कुल खिले खिले से हो गए हैं। इसे उंगली में मैं प्रेस करके दिखा रही हूँ। जैसे आप इसे प्रेस करोगे तो ये इजीली मसल जाना चाहिए। इससे ज़्यादा आप इसे बिल्कुल भी नरम होने ना दें वरना वड़ा उतनी करारी नहीं बनेगी। अब हम इस साबूदाना मिलाएंगे रोस्टेड बादाम का पाउडर। तो मैंने 1/4 कप रोस्टेड बादाम को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है। मूंगफली का पाउडर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, 1 मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ धनिया के पत्ते, 8 से 10 करी पत्ता, 1/2 इंच अदरक को ग्रेट करके डाल देंगे। व्रत का सेंधा नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके छील लिया है। इसे ग्रेटर से ग्रेट करके डाल देंगे। इससे ज़्यादा इसमें आलू ना डालें वरना साबूदाना वड़ा उतना करारी नहीं बनेगी, ये बिल्कुल सॉगी बन जाएगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा इसे गूंथना नहीं है, क्योंकि गूंथने से साबूदाना का जो दाने हैं वो मसल जाएंगे और टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। जस्ट आलू के थोड़े जो टुकड़े आपको मिलेंगे वो आप तोड़ लीजिएगा और इसे हल्का हल्का हमें मिक्स कर लेना है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना भूल गई थी, इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस। जब आप इसमें आलू ग्रेट करके डाल रहे हैं उसी समय नींबू का रस ऐड करना था, बट कोई बात नहीं, अभी हम इसमें डाल दे रहे हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा साबूदाना वड़ा का मिक्सचर बनकर तैयार है। अब हम इसके गोल गोल लड्डू बनाएंगे, उसके बाद हम इसे फिनिशिंग देंगे। तो मीडियम साइज़ का डो लेंगे और इसे हाथों में इस तरह से गोल करते करते इसे लड्डू बना के अलग प्लेट में रखते जाएंगे। सारे लड्डू हमने बना लिया है, अब हम इसे फिनिशिंग देंगे। तो हाथों को मैंने धो के कपड़े से पोंछ लिया है। हाथों में मैंने हल्का सा घी लगा लिया है। अब एक लड्डू लेंगे, इसे हल्का सा दबा के चपटा करके हम प्लेट में रखते जाएंगे। वड़े अब तलने के लिए तैयार है, तो चलिए अब हम इसे तलना शुरू करते हैं। हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए दे दिया है। तेल गरम हो गया है, फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब हम बहुत ही केयरफुली वड़े इसमें डालते जाएंगे। तो मैं एक बैच में 4 वड़े फ्राई करूंगी।
जैसे आप वड़े को तेल में डालेंगे, तेल में बहुत सारे झाग बन जाएंगे, और जैसे ही वड़े अच्छी तरह से तल जाएंगे तो ये झाग बिल्कुल कम हो जाएंगे और वड़े ऊपर की ओर फ्लोट होने लगेंगे। तो वड़े को हमें लो फ्लेम में गोल्डन होने तक फ्राई करना होगा। वड़े को बिल्कुल भी हाई फ्लेम में फ्राई ना करें, वरना वड़े बाहर से बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे, गोल्डन भी लगेंगे, लेकिन अंदर से एकदम कच्चे रह जाएंगे। देखते देखते हमारा साबूदाना वड़ा बनकर तैयार है। मैंने दो वड़े ऑलरेडी प्लेट में निकाल लिए हैं। ये देखिए, वड़े को हमें इस लेवल तक फ्राई करना होगा। इस तरफ मैंने आटा को रेस्ट होने दिया था। ये देखिए, डो बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां निकाल देंगे। अब हम एक प्लास्टिक शीट लेंगे और इसमें थोड़ा सा घी या फिर तेल से ग्रीस कर लेंगे। अब एक लोई लेंगे, इसे इस शीट के ऊपर रख के दूसरे साइड से इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा देंगे और हाथों से हल्का हल्का प्रेस करके इसे चपटा कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे बेलना है। ध्यान दीजिएगा, इसे हमें ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, इसे बिल्कुल नॉर्मल एक पूरी की तरह बेलना होगा। इसे हम प्लास्टिक में रख के इसलिए बेल रहे हैं क्योंकि सिंघाड़े के आटे ऐसे नॉर्मली बेला नहीं जा सकते, ये बहुत चिपकते हैं, इसलिए प्लास्टिक में ही इसे बेलना आप प्रेफर कीजिएगा। मैंने पूरे इवनली इसे बेल लिया है। अब शीट को हटाएंगे। पूरी को थोड़ा सा क्लीन लुक देने के लिए हमारे घर में इस तरह का तो कटोरी होता ही है, इसे कुकी कटर की तरह हम यूज़ करेंगे। कटोरी को इसके बीच में रख के प्रेस करेंगे तो आप देखोगे ये बिल्कुल गोल पूरी की तरह कट के निकल जाएगा, और साइड के जो बचे हुए जो डो है उसे हम फिर से बेलने में यूज़ कर देंगे। अब प्लास्टिक शीट का एक साइड से हाथ से इस तरह से उठा के हम बहुत ही सावधानी से पूरी को निकाल लेंगे। बहुत ही सावधानी से निकालिएगा वरना ये टूट जाएंगे। हमने पूरी तलने के लिए तेल ऑलरेडी गरम कर लिया है। फ्लेम बिल्कुल हाई है, तेल एकदम गरम है। गरम तेल में बहुत ही सावधानी से पूरी हम डाल देंगे। पूरी डालने के साथ ही साथ कलछी से इस तरह से बीच में दबाते जाएंगे। कुछ सेकंड्स के अंदर ही आप देखोगे आपका पूरी जो है फूल चुका है। तुरंत इसे फ्लिप करेंगे, पलटने के बाद ही हम इसे निकाल लेंगे। तो ये हमारा सिंघाड़े के आटा का पूरी बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारे पूरियाँ तल लेंगे। अब हम लास्ट में बनाएंगे मसाला छाछ। तो यहाँ पे मैंने एक कप ठंडी ठंडी दही ले लिया है, इसे हम ब्लेंडिंग जार में डाल दे रहे हैं। 1/4 टीस्पून सेंधा नमक और 1/4 टीस्पून भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल दिया। ये दही वाले कप से एक कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। जार का ढक्कन लगा लेंगे और इसे हमें अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। तो ये रही हमारी ठंडी ठंडी मसाला छाछ। अभी गर्मी का सीजन आ चुका है, आप इसे व्रत के अलावा गर्मी में भी एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए थाली परोसते। तो ये रहा हमारा व्रत का जीरा आलू, ये रहा हमारा कढ़ी, ये रहा मखाने की खीर। इसके बाद मैं परोस रही हूँ व्रत का जीरा राइस, सिंघाड़े के आटे की पूरी, साबूदाना बड़ा और मसाला छाछ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की मेरी ये व्रत स्पेशल थाली की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई भी सजेशन हो इस थाली के रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के नए नए रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।